हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत पाक सरहदी गांव से उठी आवाज, पाकिस्तान से बड़ी दुश्मन बनी शराब। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन का भारत पाक सरहद से सटा एक गांव मीटडाऊ, जहां के लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान से बड़ा अगर कोई उनका दुश्मन है तो वो है शराब। ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान तो कभी कभार बारूद बरसाता है, लेकिन शराब यहाँ हर रोज बारूद बना बैठा है। पिछले 9 दिन से मीटडाऊ गाँव के लोग लगातार धरने पर है और शराब के सरकारी ठेकों को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा की जा रही, हालांकि ग्रामीणों की परेशानियां यहां अवैध शराब व्यापारियों से भी है। दरअसल कुछ दिन पहले नशे की हालत में बाइक सवार 3 युवक एक बस से टकरा गए और हादसे में 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे ने पूरे गाँव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस हादसे का कारण ग्रामीण ने शराब को माना और शमशान में 3 अर्थियों पर हाथ रखकर कसम खाकर गांव के करीब 50 लोगों ने एक साथ शराब छोड़ने का वादा किया और गांव के मौजूद लोगों ने इस हादसे से सबक लेकर गांव को शराब मुक्त बनाने की ठान ली और शराब के ठेके का विरोध करना शुरू किया। ग्रामीण के अनुसार सरकार शराब बेचकर हमारी ही जेब से वसूली करती है और बाद में मुफ्त आवास, फ्री गेहूं अनाज देती है। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें बस शराब से मुक्ति दिला दो। जिसके बाद मीटडाऊ गांव के ग्रामीण ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकारी शराब का ठेका बंद करवाने की मांग की। गांव वालों का कहना है कि शराब ने यहां रिश्तों को खत्म ही कर दिया है। नशेड़ी बेटा मजदूर 25 से 30 हजार तक कमाता तो है, लेकिन माँ बाप घर वालों को कुछ नहीं देता। उसका सारा रुपया पैसा शराब पीने में ही चला जाता है। शराब का विरोध कर रहे ग्रामीणों के अनुसार वो शराब के खिलाफ पहले गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। गांव के चौराहे पर खड़े कांजीराम मेघवाल के अनुसार सरहद पर बसे 500 घरों के इस गांव में प्रतिदिन शराब का ठेकेदार 50 हजार से ज्यादा कलेक्शन करता है, जो महीने के 15 लाख रूपए होते हैं। समाज सेवी और युवा दलित नेता प्रताप मेघवाल के अनुसार ग्रामीण अपने बच्चों को शराब की वजह से खो रहे हैं। 9 दिनों से लोग सुबह शाम शराब के खिलाफ अभियान चलाकर धरने पर बैठे लोगों की मांग पर सरकार विचार करे। 9 दिनों से लोग सुबह शाम शराब के खिलाफ अभियान चलाकर धरने पर बैठे लोगों की मांग पर चाहते हैं कि सरकार उनकी ओर विचार करे। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर मुलाकात कर गए बाड़मेर से। जागरूक टीवी की रिपोर्ट।